Hi viewers, welcome to Smart World, a place where you can learn English very easily without much focus on grammar. So no English, only grammar is our concept where you can learn English without much bothering about the grammar, which makes you lot of confusion, due to which lot of people face problems in learning English, right? So our 25 years of research made it easy to learn English. So let's start English. चलिए English की शुरुआत करते हैं हमारे concept से, जहाँ पर no grammar, only English है. बिना grammar को ज़्यादा focus किए हुए हम English आपको सिखाएंगे बड़े आराम से, बड़े आसानी से. तो हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए. तो चलिए शुरू करते हैं हमारे tenses को सीखना. Tenses जो है तीन काल होते हैं, जिसे हम हिंदी में कहेंगे काल, राइट? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल. जिसे वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस होता है, जो वर्तमान काल है वो है प्रेजेंट टेंस, राइट? सो प्रेजेंट टेंस. उसके बाद आएगा आपका पास्ट टेंस, राइट? जो बीता हुआ समय है, जो काम हमने पहले किया हुआ है वो पास्ट टेंस में चला जाएगा. और होगा फ्यूचर टेंस, राइट? फ्यूचर टेंस जो आपके भविष्य में आप करने वाले हो या करोगे. ओके, सो प्रेजेंट अब जो हो रहा है, पास्ट जो हो गया, और जो भविष्य में होगा वो आपका फ्यूचर होगा, राइट? सो इस तरीके से हम समय को जानते हैं. जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि अगर आप प्रेजेंट में हो तो आप युवा हो, राइट? अगर मैं युवा हूँ तो ये मेरा प्रेजेंट है. तो मेरा पास्ट क्या होगा? मेरा बचपन. और मेरा भविष्य क्या होगा? फ्यूचर क्या होगा? मेरा बुढ़ापा. समझ में आ रहा है आपको? प्रेजेंट अगर मेरा युवा है, मैं यंग हूँ, युवा हूँ, तो मेरा पास्ट होगा मेरा बचपन, राइट? समय के अनुसार. और मेरा फ्यूचर होगा मेरा बुढ़ापा. सिंपल है कि नहीं? बस इतना ही समझना है. ये है आपके काल, राइट? जो अभी हो रहा है वो प्रेजेंट में, और जो पास्ट में हो गया है वो पास्ट में, और जो भविष्य में होने वाला है वो फ्यूचर में, राइट? सो लेकिन अब जब ग्रामर या सेंटेंसेस की बात आती है, हम हमेशा टाइम की बात नहीं करते, हम हमेशा कार्य की बात करते कि हमने काम किया है, तो काम को कितना किया है और कब किया है, ये हम सेंटेंसेस में जानने के लिए हम वहाँ पर टेंसेस को इस्तेमाल करते हैं, राइट? सो यहाँ पर हमने देखिए, अभी हमारे पास में एक वर्ब ले लिया हमने, एक क्रिया ले ली है जो है खेलना, प्ले, ठीक है? प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, राइट? खेलना. हिंदी में खेलने को खेलना ही कहोगे जब आप कोई भी वाक्य बोलोगे. मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा था, मैं खेलूँगा. लेकिन खेल खेली होता है हिंदी में. लेकिन जब आप इंग्लिश में जाते हो तो इंग्लिश में आपको परफेक्ट इंग्लिश बोलने के लिए वर्ब के फॉर्म्स आना बहुत ज़रूरी है. और हम फॉर्म्स के लिए पूरा हर तरीके के फॉर्म के ऊपर, हर एक वर्ब के ऊपर बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे, जिसमें हर एक फॉर्म के सेंटेंसेस आप देखोगे और ऑटोमेटिकली आपको इंग्लिश में उस वर्ब के ऊपर सेंटेंसेस बनाना आ जाएगा कोई भी सिचुएशन में, राइट? हम कोई रटाने वाला काम नहीं करेंगे, हम आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, जिससे आप एक सेंटेंस नहीं, हज़ारों सेंटेंसेस अपने ज़रूरत के हिसाब से बना पाओगे. और वो हमने यहाँ पे शुरुआत कर दी है. तो चलिए एक एग्जांपल प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट टेंस में कैसे सेंटेंसेस बनेंगे, पास्ट टेंस में कैसे सेंटेंसेस बनेंगे, और फ्यूचर टेंस में कैसे सेंटेंसेस बनेंगे, राइट? सो चलिए शुरू करते हैं. और इस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही चीज़ों में जो है प्ले और प्लेड का इस्तेमाल होगा. तो प्रेजेंट टेंस में जैसे मैं बोलूँगा, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, ठीक है? मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग. और पास्ट में, राइट? सो अब जब प्रेजेंट में मैं बात करूँगा तो सेंटेंसेस बनाने में कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. आई एम प्लेइंग, जब भी एम आएगा तो वो प्रेजेंट टेंस में चला जाएगा सेंटेंसेस. जैसे हिंदी में अब जब सेंटेंस बोलोगे, मैं खेल रहा हूँ, जब रहा हूँ आता है सेंटेंस में, तो आपको पता चलता है कि ये प्रेजेंट में काम हो रहा है, राइट? सो उसी तरीके से पास्ट में जो होगा आपका पास्ट, पास्ट में जो सेंटेंसेस होंगे आपके, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, राइट? रहा था, था से पता चलता है कि आपका ये जो कार्य है, ये जो काम है, ये पहले हो चुका है, पास्ट में काम हो चुका है, मैं खेल रहा था,
राइट, या पास्ट में काम चल रहा था ऐसे। ओके, सो वहां पर आपको लगता है वॉज, जैसे था लगाने से हिंदी में पता चलता है कि ये कार्य हो गया है, था लगाने से हिंदी में पता चलता है कि ये काम हो गया है, वैसे ही इंग्लिश में वॉज लगाने से पता चलता है कि ये काम हो गया है, राइट, या हो रहा था, पीछे के हो रहा था एक्शन। तो वॉज पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, एम आर और इज जो है वो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, और उसके बाद में राइट फ्यूचर भविष्य, आई विल प्ले, मैं खेलूंगा, खेलूंगा, तो खेलूंगा, गा से पता चलता है कि ये जो वाक्य है ये भविष्य में होगा, राइट, भविष्य में होगा, तो गा से पता चलता है ना आपको हिंदी में। तो इंग्लिश में कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे पता चलेगा कि ये सेंटेंस फ्यूचर में जाएगा? बड़ा सिंपल है, विल लगेगा वहां पर। अगर विल है उस सेंटेंस में, मतलब ये फ्यूचर की बात हो रही है, वॉज है मतलब ये पास्ट की बात हो रही है, इज आर और एम है मतलब ये प्रेजेंट की बात हो रही है, राइट। तो बहुत डिटेल में नहीं इस वीडियो में जाते हैं, इस वीडियो में हम सिर्फ प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की बात करेंगे, और हर एक टेंस को परफेक्ट तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हमने अलग अलग वीडियोस बना के रखे हुए हैं जो मैं आपको समय आने पे बताता जाऊंगा, राइट। सो चलिए आगे देखते हैं कि क्या है कुछ, और इसको एग्जाम्पल को डायलॉग्स में कैसे बदलेंगे, हम सेंटेंसेस कैसे बोलेंगे। ओके, तो अब प्रेजेंट में जब आएगा आपका आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, राइट, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, तो आप सवाल पूछोगे ना सामने वाले से, क्या आप खेल रहे हो, क्या आप खेल रहे हो, मतलब वहाँ सवाल बना। और सवाल आप इंग्लिश में पूछने के लिए मैंने आपको वर्ड पहले ही दे दिया, आर लगा दोगे, आर यू प्लेइंग, क्या आप खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग, क्या आप खेल रहे हो, फिर सामने वाला आपको जवाब देगा, यस आई एम प्लेइंग, नहीं मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो नो आई एम नॉट प्लेइंग, राइट। आप कौन सा खेल खेल रहे हो, कौन सा, विच गेम आर यू प्लेइंग, विच गेम आर यू प्लेइंग, मतलब आप कौन सा गेम खेल रहे हो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रेजेंट में अगर मैं खेल रहा हूँ तो मैं बोलूँगा आई एम प्लेइंग, आई एम लग गया। सवाल पूछना है आपको तो क्या आप खेल रहे हो, क्या आप खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग, हाँ मैं खेल रहा हूँ, तो यस आई एम प्लेइंग बोलोगे, नहीं मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो नो आई एम नॉट प्लेइंग बोलोगे, और आप कौन सा गेम खेल रहे हो तो विच गेम आर यू प्लेइंग, आप कहाँ खेल रहे हो तो वेर आर यू प्लेइंग, है ना, आप किसके साथ खेल रहे हो तो विथ होम आर यू प्लेइंग, बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं, सिंपल तरीका है। अब प्रेजेंट टेंस को अगर कंप्लीट करना है आपको, सही तरीके से परफेक्शन करना है, तो मेरे को पहले समझना पड़ेगा, आपके जो आपके अंदर ये कॉन्सेप्ट को पहले डालना पड़ेगा, और उस कॉन्सेप्ट को डालने के लिए या समझाने के लिए हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखी हुई है, तो वो वीडियो हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में ऊपर लिंक पे आ जाएगा, उस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत सारे सेंटेंसेस हमने वहाँ पे प्रैक्टिस करा के लिया हुआ है आपसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे, राइट। सो वहाँ पर उस वीडियो को देखिए, आपका प्रेजेंट टेंस क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट टेंस में इज, एम और आर लगेगा, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया, आई एम प्लेइंग, सवाल आप पूछोगे क्या आप खेल रहे हो तो आर यू प्लेइंग, सामने वाला या तो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा, हाँ बोलने के लिए वो बोलेगा यस आई एम प्लेइंग, ना बोलने के लिए वो बोलेगा नो आई एम नॉट प्लेइंग, राइट। और आप फिर बहुत सारे WHO क्वेश्चन बना सकते हो, तो WHO क्वेश्चन के लिए भी हमने पूरा एक अलग सा वीडियो बना के रखा हुआ है, विच गेम आर यू प्लेइंग, आप कौन सा गेम खेल रहे हो। समझ में आ गया आपको? तो रहा हूँ, जब भी हिंदी में रहा हूँ आएगा तो आप क्या बोलोगे, प्रेजेंट टेंस में गया ये सेंटेंस, राइट। अब इंग्लिश में आप लगाओगे आई एम प्लेइंग, राइट। अब इज कहाँ पर आएगा, चलिए एक जब नाउन रहेगा सेंटेंस में, क्या रहेगा, नाउन, जैसे राम इज प्लेइंग, है ना, आई एम प्लेइंग तो आ गया, एम आ गया, अब राम है वहां पर, तो राम इज प्लेइंग तो क्या होगा, राम खेल रहा है, राइट, राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। सवाल बनाने के लिए आप लगाओगे यहाँ पर इज, राम इज को उल्टा कर दो, इज राम प्लेइंग, क्या राम खेल रहा है, यस राम इज प्लेइंग, हाँ राम खेल रहा है, नो राम इज नॉट प्लेइंग, नहीं राम नहीं खेल रहा है, वेयर इज राम प्लेइंग। तो ये सब एक्चुअली हमने पूरा इसका अलग वीडियो रखा हुआ है जो आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब की बात हम इसे बोलेंगे, हमारे मॉड्यूल में इस तरीके के वाक्यों को हम बोलते हैं
अब की बात, राइट। सो अब की बात पे हमने समझ लिया कि प्रेजेंट में क्या होता है, राइट। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग पास्ट टेंस की तरफ, राइट। सो पास्ट टेंस में जो होगा आपका रहा था, मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था, इससे पता चलता है कि ये वाक्य जो है पास्ट में चला गया या पास्ट में हो रहा था, है ना। तो मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, क्या आप खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग, हाँ मैं खेल रहा था, यस आई वॉज प्लेइंग, नहीं मैं नहीं खेल रहा था, नो आई वॉज नॉट प्लेइंग, विच गेम वर यू प्लेइंग, राइट। और इसे हम, ये जो सेंटेंस है, इस तरीके के सेंटेंस को हमारे मॉड्यूल में बोलेंगे तब की बात, क्या बोलोगे, तब की बात, राइट। सो तब की बात में वॉज लगेगा और सवाल बनाने के लिए वर लगेगा, कितने आराम से सीख गए आप लोग, कोई ग्रामर का टेंशन नहीं, ओके। जब कभी भी आपको हिंदी शब्द में था लगेगा, है ना, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग, मैं टीवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी, वॉज लग गया, था लगाया, वॉज लग गया, है ना, राइट। और उसी के साथ साथ में सवाल बनाना है, क्या आप टीवी देख रहे थे, तो वर लगेगा, वर यू वॉचिंग टीवी, क्या आप सो रहे थे, वर यू स्लीपिंग, राइट, क्या आप खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग, आप जवाब दोगे हाँ मैं खेल रहा था, यस आई वॉज प्लेइंग, नहीं मैं नहीं खेल रहा था, तो नो आई वॉज नॉट प्लेइंग, राइट, है ना। विच गेम वर यू प्लेइंग, आप कौन सा गेम खेल रहे थे, वेयर वर यू प्लेइंग, आप कहाँ खेल रहे थे, विथ हुम वर यू प्लेइंग, आप किसके साथ खेल रहे थे, समझ में आया, बड़ा ही सिंपल इंग्लिश है, इंग्लिश को कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा हुआ है सिर्फ ग्रामर 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 को लेकर के, तो कोई ग्रामर की ज़रूरत नहीं है आपको, आई होप कि समझ में आ गया होगा, सिर्फ मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। हमने तब की बात पर भी एक पूरा वीडियो बना के रखा हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में एक अलग वीडियो जो जिसमें हमने बहुत सारे सेंटेंसेस और बहुत सारे वर्ब्स की प्रैक्टिस कराई हुई है, वो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और ऊपर आई बटन पे भी लिंक डाल दिया गया है, तो आप उस वीडियो को देख करके आपका तब की बात मतलब पास्ट के सेंटेंसेस को क्लियरली समझ सकते हो, आई बात समझ में, राइट। सो ये था हमारा पास्ट, और अब हम देखते हैं फ्यूचर टेंस, राइट, विल, ओके, विल, जब कभी भी आप सेंटेंस में, जैसे कि मैं खेलूंगा, है ना, मैं खेलूंगा, तो खेलूंगा जब आएगा, तो गा आएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, ये भविष्य काल में चला गया, और इंग्लिश में भविष्य में आप विल से आपको पता चलेगा कि हाँ ये जो वाक्य है ये भविष्य में हो रहा है, जैसे विल, राइट, मैं खेलूंगा, आई विल प्ले, और सवाल में भी, राइट, जो आपका फ्यूचर टेंस होगा उसमें सवाल में भी विल ही लगेगा, विल यू प्ले, क्या आप खेलोगे, हाँ मैं खेलूंगा, यस आई विल प्ले, हाँ मैं खेलूंगा, नो आई विल नॉट प्ले, नहीं मैं नहीं खेलूंगा, राइट, विच गेम विल यू प्ले, आप कौन सा गेम खेलोगे, वेयर विल यू प्ले, आप कहाँ खेलोगे, विथ होम विल यू प्ले, विल लग रहा है सब जगह पे, समझ में आ रहा है, सिर्फ विल सीखना है आपको, फ्यूचर टेंस आ गया आपका, राइट, इज एम आर, समझ में आ गया आपको, और विल के जो सेंटेंसेस है, विल के जो सेंटेंस है हमारे मॉड्यूल में, हम इसे कहते हैं भविष्य की बात, राइट। तो भविष्य की बात के लिए भी मैंने एक पूरा वीडियो बना के रखा हुआ है, जहाँ पर बहुत सारे वर्ब्स को लेकर के हमने प्रैक्टिस कराई हुई है, उस वर्ब, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, और ऊपर आई बटन में भी आपको वो लिंक आ जाएगा, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट भविष्य की बात को लेकर के क्लियर हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके से हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्लियर हो गया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट में जो है इज लगेगा, एम लगेगा और आर लगेगा, फ्यूचर में जो है आपका विल लगेगा, और पास्ट में जो है आपका वॉज लगेगा, राइट, और सवाल बनाने के लिए वर लगेगा। कितना सिंपल है इंग्लिश, राइट। सो कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, बड़े आराम से आप कोई भी वर्ब ले लो, उसके ऊपर ये सारे थोड़े से लॉजिक्स है वो लगा लो, और सेंटेंसेस को बोलना, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, राइट, प्रेजेंट में है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, राइट, आप पढ़ रहे हो, आई एम लर्निंग आप बोलोगे, है ना, राइट, और भविष्य में क्या होगा, मैं पढ़ूंगा, आई विल लर्न, मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच, राइट,
मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग. मैं पढ़ रहा था, आई वॉज लर्निंग. तो वर्ब्स तो बेसिकली आपको पता होते हैं, तो आईएनजी फॉर्म कहाँ लगेगा और फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगेगा, इस सारी चीज़ों को लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. यहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म के सेंटेंस देखे हैं और आईएनजी फॉर्म के सेंटेंसेस देखे हैं. जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादातर लोग जहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि विल के साथ आईएनजी लगा देते हैं. विल के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगेगा. जो काम शुरू ही नहीं हुआ तो कंटिन्यू कहाँ से हो सकता है, बराबर है कि नहीं? तो विल के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगेगा. ये टिप याद रखिएगा कि कभी भी आपको विल के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते हो, अदरवाइज आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा. तो आई विल स्पीकिंग नहीं होगा, आई विल स्पीक होगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा. आई विल गोइंग नहीं होगा, आई विल गो होगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा. समझ में आ गया? ओके, तो देखिए गाने के जैसे इंग्लिश कैसे बना सकते हो. मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ. आई एम गोइंग, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, प्रेजेंट में सेंटेंस है. आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ. आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हो? येस आई एम गोइंग, हाँ मैं जा रहा हूँ. नो आई एम नॉट गोइंग, नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ. वेर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो? विथ हुम यू आर गोइंग, आप किसके साथ जा रहे हो? अब इसको पास्ट में बना दो. आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था. वर यू गोइंग, क्या आप जा रहे थे? येस आई वॉज गोइंग, हाँ मैं जा रहा था. नो आई वॉज नॉट गोइंग, नहीं मैं नहीं जा रहा था. हु वॉज गोइंग, कौन जा रहा था? भविष्य में. आई विल गो, मैं जाऊँगा. क्या आप जाओगे? विल यू गो, हाँ मैं जाऊँगा. येस आई विल गो, नहीं मैं नहीं जाऊँगा. नो आई विल नॉट गो, आप कहाँ जाओगे? वेर विल यू गो. समझ में आया बच्चों? समझ में आया आपको? अगर आप सीखना चाहते हो इंग्लिश को गाने की तरह, तो हमसे जुड़े रहिए. इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और इतनी अच्छी जो वीडियो हम मेहनत करके बना रहे हैं, प्लीज़ उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए. सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए. कीप कमिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट.